गुड इवनिंग 612 स्क्वायर फीट हाउस बिल्डिंग प्लान 18x34 स्टार्ट वीडियो 18x34 एंड ऑल आउटसाइड वॉल 5 इंच एंड इनसाइड वॉल 5 इंच ओके तो ये जो प्लान है आउटसाइड और इनसाइड जो वॉल 5 इंच तो इस प्लान में हमने रखा है यहाँ पर जो एक पोर्च ठीक है इसका पहले एक डायग्राम यहाँ पर हम रखते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम इसके साथ यहाँ पर भी एक रखेंगे हम वॉल आउटसाइड ये भी एक वॉल है ठीक है और यहाँ पर भी एक आउटसाइड वॉल तो नॉर्थ फेसिंग का हाउस बिल्डिंग प्लान इसमें हम फ्रंट में गेस्ट रूम हमने सेट किया था तो उसके बाद इधर एक आएगा वॉल जहाँ पर एक डोर आएगा ठीक है ऐसा आएगा तो उसके बाद इधर का जो है इधर तक तो कैसे करना है देखिए ड्रॉ हमने कर दिया इधर नेक्स्ट इधर ओके इधर से इधर तक ठीक है तो ये आपका गेस्ट रूम नेक्स्ट आएगा हमारा एक इधर एक रूम या जो भी है इधर से स्टार्ट होना चाहिए तो हमने कर दिया स्टार्ट और इधर आएगा तो इधर से हम करेंगे इसको इधर तक ओके तो इधर एक वॉल इधर भी एक वॉल इतना तक आएगा तो इसके बाद इधर आएगा एक वॉल इतना तक और इधर इधर ओके वॉल कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इधर हम रखेंगे एक देखिए इधर हम रखेंगे एक वॉल का पोर्शन तो इसमें हमने इधर और इधर एक वॉल रखा है तो इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा इधर से स्टार्ट होना है तो हमने इधर से स्टार्ट किया है इसका सेंटर जहाँ पर है सेंटर लेकर हम इधर से स्टार्ट किया है और इधर भी और नेक्स्ट हमने रखा है इधर तक ठीक है जो स्टेयर हाँ स्टेयर का जो पार्ट इधर से हमने स्टार्ट किया है और क्योंकि हमने वास्तु के हिसाब से प्लान किया था लेकिन स्टेयर यहाँ पर होना चाहिए मैंने यहाँ पर कर दिया क्योंकि यहाँ पर एक बेडरूम किचन मैंने रखा है तो इसलिए मैंने वहाँ पर जगह नहीं मिला मुझे ज़्यादा क्योंकि 18 फीट में एक रूम के साथ एक किचन आएगा उससे ज़्यादा नहीं आएगा इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं रखा तो मुझे लग रहा है यहीं पर देना ठीक होगा इसलिए मैंने यहीं पर इसको प्रोवाइड कर दिया ठीक है तो आप थोड़ा सा इधर वास्तु चेंज हुआ है लेकिन मैंने पूरा नहीं किया यहाँ पर इसके बाद इधर से हो जाएगा आप तो यही था प्लान तो इसमें डिटेल्स हम शेयर करते हैं चलिए करते हैं हम यहाँ पर जो वॉल उसका कलर करते हैं वॉल का तो इसमें हम रखेंगे एक विंडो क्योंकि विंडो हमको चाहिए
हम इधर विंडो पीछे में जो मेरा बेडरूम है इसका भी एक विंडो हम रखेंगे। तो इसमें भी देखिए इसमें भी थोड़ा सा प्लॉट का हिसाब से हमको विंडो रखना चाहिए। अगर आपको विंडो नहीं चाहिए तो आप मत रखिए। यहाँ पर हमको रखना है वॉल का, ठीक है। इधर इधर हम रखेंगे ऐसे और इधर रखेंगे ऐसे वॉल। देखिए इधर इधर भी और इधर भी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्या, डोर पोजीशन जहाँ पर होगा वहीं पर हम डोर का मेज़रमेंट सेट करेंगे, ठीक है। जो पोजीशन में डोर आएगा वहीं पर हम डोर पहले प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद विंडो। जो डोर विंडो बिल्डिंग का एक पार्ट होता है, मेन पार्ट, क्योंकि इसमें से हमारा एयर सर्कुलेशन होता है। हमारा जो बिल्डिंग है उसका जो एयर सर्कुलेशन, डोर विंडो अगर नहीं होगा तो एयर सर्कुलेशन कहाँ से आएगा। इसलिए हमने जहाँ पर विंडो होना चाहिए वहीं पर हमने विंडो दिया, जहाँ पर वेंटिलेशन होना चाहिए मैंने वहीं पर वेंटिलेशन को प्रोवाइड कर दिया। जहाँ पर विंडो और डोर सभी साइड में एयर वेंटिलेशन अच्छे होना चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग का जो वास्तु है वो वास्तु के हिसाब से नहीं होता है। मेन जो गेट यहाँ पर आएगा, तो हमने क्या किया, इधर एक पोर्च रख दिया है। देखिए यहाँ पर हमने रखा है ये जो है पोर्च, ठीक है। ऊपर में एक पोर्च है यहीं पर, तो इस पोर्च को हमने यहीं पर रखा है। हम जाएंगे अंदर इधर से, ठीक है, मेन गेट के अंदर से। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जो मेन गेट यहीं पर आएगा मेन गेट, तो इसका जो मेज़रमेंट आएगा, हम यहीं पर रखा है 7 फीट 2 इंच और इधर रखा है 6 फीट का एक पोर्च, ठीक है, इधर तक। उसके आप नीचे से चला जाइए, अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक डोर हमने रखा है। यहाँ पर हमने एक रूम, बेडरूम बेडरूम हमने रखा है यहाँ पर। तो बेडरूम का जो साइज़ हमने रखा है 10 फीट इधर और इधर रखा है 9 फीट, ओके। और इधर जो हमने रखा है 6 फीट 11 इंच का एक डिस्टेंस, क्योंकि इधर आएगा आपका स्टेयर। तो इधर एक डोर रखा है हमने, बाथ एंड लैट्रिन को हम इधर रखा है, जिसका साइज़ 6 फीट 7 इंच और इधर का जो साइज है 5 फीट, ओके। यहाँ पर एक बेडरूम, जो सेकंड बेडरूम यहीं पर, तो यहाँ पर डोर, तो इसका हमने रखा है 10 फीट और इधर हमने रखा है 11 फीट, ओके। और इधर जो है किचन, तो हमने इसका साइज रखा है 6 फीट 9 इंच और एक साइड में रखा है 8 फीट 0 इंच। और इधर जो गेट से स्टार्ट होकर सीधा सा हमारा जो है 19 फीट 2 इंच टोटल एरिया है। और इधर का जो जो एरिया है 10 फीट 2 इंच डिस्टेंस, ओके। तो इसमें जो जगह है हम क्या कैसे रखेंगे, ऊपर डाइनिंग और ड्राइंग दोनों का हम एक साथ रख सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो प्लान इधर से स्टार्ट होकर हमको आएगा यहाँ पर 18 फीट, ओके। यहाँ पर जो आएगा टोटल 34 फीट टोटल, तो आउटसाइड जो वॉल है 5 इंच, इनसाइड वॉल 5 इंच, ओके। इसका मतलब हुआ 18 फीट इंटू 34 फीट, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आपका 612 स्क्वायर फीट। इसका टोटल कॉस्ट जो आएगा आपका, आप सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए 8 लाख, 8 लाख में आपका कंस्ट्रक्शन और प्लास्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए हम यहीं पर दिखाते हैं आपको कॉलम कहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। तो कॉलम का प्रोवाइड जो करना है, जो पोजीशन आपको चाहिए, मैं वहीं पर कॉलम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पर तो कॉलम प्रोवाइड करेंगे, इसका जो कॉलम यहीं पर, और हम करेंगे इधर कॉलम प्रोवाइड करेंगे, इसका इधर एक कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे, इधर और इधर। ठीक है, तो यही था आज का प्लान। प्लान अच्छे लगे जरूर लाइक कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।